बट वेयर इज जीगॉड? जीगॉड थोड़ा अलग नजर आने वाले हैं। शैडो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आ जाएंगे। शैडो जहां पर पहुंचना चाहते हैं उनसे पहले मुझे लगता है निंजा बॉय पहुंच जाएंगे। जी हाँ, निंजा बॉय यहाँ पर पहुंचते हुए रहेंगे। शैडो काफी ज्यादा ओपन में यहाँ पर आने वाले। निंजा बॉय को क्या यहाँ पर गन मिलती हुई नजर आने वाली है? चलिए डिसंगेज किया, ये एक अच्छा डिसीजन था, सामने नहीं गए, डिसंगेज करते हुए यहाँ पर आपको नजर आ चुके, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर देखने मिली। बट उसके बावजूद निंजा जॉर्ड यहाँ पर शैडो को डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर शैडो को एलिमिनेट भी कर दिया, फिनिश अपना सिक्योर भी करते हुए नजर आ चुके, दैट वन इज ग्रेट। बट अभी के लिए बात करें जैक्सन को स्पॉट करेंगे। अभी गर्ज बहुत ज्यादा ओपन में हो चुकी है टीम गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा ओपन में यहाँ पर प्रॉब्लम में नजर आती हुई नजर आएगी। अभी के लिए अभी गर्ज के ऊपर क्या बेहतरीन कनेक्शन निंजा जॉर्ड कर रहा है, क्या बेहतरीन तरीके से माइक्रोजी का इतनी लॉन्ग रेंज में भी कनेक्शंस निकालते हुए नजर आएंगे। बट जीगॉड उनको यहाँ पर गन मिल चुकी है, वो चाहे तो अगर निंजा जॉर्ड को स्पॉट करेंगे 4x भी यहाँ पर रहने वाला, दिक्कतें दे सकते हैं। दक्ष को भी स्पॉट किया, दक्ष के ऊपर भी स्प्रेस, बट यूएमपी की गोली ना डिप करती है, नीचे जाती है, तो यहाँ पर दिक्कत होता है। तो अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्पॉट कर पाएंगे। निंजा बॉय के ऊपर भी कुछ खासा कनेक्शन बनता हुआ नजर नहीं आएगा। शैडो एंड जैक्सन दोनों ही गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स के यहाँ पर एलिमिनेट हो चुके। जी गॉड एंड अभिगर्स द लास्ट टू मैन सर्वाइविंग राइट नाउ। गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स काफी समय से यहाँ पर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं, सर्कल का फेवर नहीं। अभिगर्स यहाँ पर निकलने की कोशिश, बट निंजा जॉर्ड, ओह माय गॉड, उनको पता है खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, वो आपको क्यों जाने देंगे, आपको थोड़ा सा इस बारे में सोचना जरूर चाहिए था। टॉक करके एलिमिनेट एंड इंस्टेंट एलिमिनेट किया गया निंजा जॉर्ड की तरफ से। 1v2 ऑलरेडी यहाँ पर गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स को करते हुए नजर आ चुके। जीगॉड अभी भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए जीगॉड एक अलग जगह जाकर होल्ड करते हुए देखने को मिलेंगे। अभी के लिए अगर बात करें जीगॉड सेम लोकेशन जरूर सेम रहने वाली है, बट पोजीशन यहाँ पर चेंज नजर आ जाएगी। एंड अभी के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगा, क्या यहाँ पर प्लेयर को स्पॉट कर पाएंगे, क्या जीगॉड यहाँ पर स्प्रेस देते हुए नजर आएंगे। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट रोल है कि क्या जीगॉड यहाँ पर स्प्रेस देंगे या फिर जीगॉड चाहेंगे कि गेम को और दूर तक लेकर जाए और डीप तक लेकर जाए। मिरावर में सर्वाइव करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, थ्रूबल्स पहले ही कर दिया एंड कहीं ना कहीं एलिमिनेट होते हुए नजर आ जाएंगे आउटसाइड द सर्कल। एंड इसके सिवा और कोई चारा भी उनके पास बचा हुआ नहीं था। टीम